So, firstly, I am very sorry that I have not posted anything on YouTube and it's been more than 15 days. So, I promise I won't do it again. Okay. So, I'm in this video, as you already read the title, in this video, we are going to do monthly favorites of February. Right? So, without any further ado, let's get into the video. So, first, we're gonna start with skincare. I have two favorites, two favorite products of skincare with me. First one is this Bioderma Sensible H2O Micellar Water. As you can see, मैंने half bottle खाली कर half bottle use कर लिया और half ये इसको क्या हो गया? मैंने हाफ bottle इसकी यूज कर लिया और हाफ अभी बची हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको पहले यूज नहीं करी थी, पर पहले शायद मैंने इसको जैसे मुझे यूज करना था, वैसे यूज नहीं किया। पर अभी मैंने इसको यूज़ करके देखा तो आई लव द फार्मूला गार्नियर वाला भी यूज़ किया है अगर इफ़ यू आर इन अ बजट यू कैन यूज गार्नियर सेलर वाटर एंड इफ यू हैव मनी टू स्पलच यू कैन ट्राई सेंसिबल एच टू सेलर वाटर इट इज अमेजिंग स्किन केयर कैटेगरी नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज दिस इट्स फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जिस जिनसिंग एसेंस टोनर एंड फर्स्टली आई एम गोइंग टू शो यू द टेक्स्चर कैन यू सी इट्स वॉटरी एंड आई हैव अ सेंसिटिव स्किन तो मेरी स्किन को काम डाउन करने के लिए भी काफ़ी ज्यादा हेल्प करता है और लेयरिंग परपज के हिसाब से तो ये है ही अच्छा बिल्कुल भी चिप या फिर हैवी फील नहीं करता है इफ़ यू हैो फॉर दिस द टोनर एंड ये आई हैव दिज टू फेवरेट इन स्किन केयर कैटेगरीगरी दैट इज लिप ओके सो आई हैव बीन यूजिंग

इट कॉस्ट अराउंड सेवन नाइंटी नाइन और फिफ्टी एम एल की बॉटल है इज इट द बेस्ट इन द मार्केट नो बट प्राइस वाइज एंड क्वान्टिटी वाइज इट इज गुड यू कैन गो फॉर दिस एक तो ईजीली यूज हो जाती है लाइक दिस इट्स इजी टू यूज एंड बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगता बिल्कुल चिपचिप जैसे लगती है ना कुछ लिप बॉम बिल्कुल नहीं लगती है बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगती है एंड इट्स अ डिसेंट लिबाम इफ यू हैव अ बजट सेवन हंड्रेड रुपीज एट हंड्रेड रुपीज यू कैन गो फॉर दिस बट देर आर बेटर ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट यू कैन गो फॉर दम बट इट्स अट लिबाम सो नेक्स्ट वी गो टू द अनदर कैटेगरी दैट इज मेकअप सो आई हैव यूज दिस पेरी पेरा इंक वेलवेटेंट है इसका इसका शेड नेम ए न्यूड न्यूड है ये मैंने काफी ज्यादा यूज किया एक तो फ्लश ऑफ कलर लेके आ जाता है फेस पे विदाउट कुछ भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है जस्ट यूज दिस ऑन योर लिप्स एंड ऑन योर चीक्स चीक्सो इसका कुछ कलर कैन यू सी इट्स अ परफेक्ट न्यूड फॉर माई स्किन एंड ईजिली स्प्रेड हो जाती है बहुत अच्छा फ्लश आता है इसका चीक्स पे एंड लिप्स पे सो Amazon पे अराउंड 400 500 की मिल जाएगी यू कैन गो फॉर दिस सो आई लव द आई यूज दिस इन द मंथ ऑफ फरवरी नाउ वी कम टू द हेयर केयर आई हैव बीन यूजिंग यू कैन आपने ये मेरे को शायद जनवरी के हॉल में ये वाला हेयर केयर प्रोटीन ट्रीटमेंट देखा होगा एक तो इसका बड़ा लंबा चौड़ा नाम है वेका सेर 100 कोलेजन सेरामाइड कोटिंग प्रोटीन ट्रीटमेंट बेसिकली एक ट्रीटमेंट है आफ्टर वॉशिंग यू हैव टू यूज़ दिस फॉर अराउंड फाइव टू टेन मिनट्स ऑन योर डैम्प हेयर तो उसके बाद आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मैनेजेबल और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेंगे आपको ग्राम्स की आती हैं एज यू कैन सी मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया है सो इफ यू हैव द बजट टू गो फॉर यू कैन भाई ये बंद नहीं ये देख रहे हो आपको बंद नहीं होता हम लेट बुक ऑफ दो आई है वे यू थिंक बाय लव द बुक लाइक वन जीरो वन इसमें वन जीरो वन ऐसे मिलेंगे आपको किसी हर ज्यादातर चीजों के ऊपर है लाइक आईंगीड सम दार्टू दैट आर नॉट आई वाई यू शुड नॉट सी कम्फर्ट एंड थिंग्स इमोशनली हेल्थी पीपल नो हाउ टू डू एंड आप देख लो ये ये सारे टॉपिक्स है इसमें वन जीरो वन ऐसे है जस्ट रीड इट वंस लाइक बहुत इजी इजी टू रीड फर्स्टली इट इज वेरी इजी टू रीड कभी आया कभी पांच मिनट फ्री हैं तो एक कोई भी ऐसे उठा के पढ़ लिया एंड इट्स सो गुड एज यू कैन मैंने भी ज्यादा नहीं पढ़ी है पर हाँ मैंने थोड़ी बहुत ही पढ़ी है तो प्लीज जस्ट रीड इट वंस तो दिस इज माई फेवरेट बुक ऑफ द मंथ एंड मैं थोड़ा सा ना रीडिंग की तरफ जा रही हूँ मैं थोड़े से बुक्स को रीड करती हूँ टू वॉच द बुक हॉल एज वेल you can tell me so next bag my favorite bag is this one uniqlo bag as you can see isme bahut sara item ho jata hai pani ki bottle aa jayegi full half liter wallet bag tissues detol aur ye kya sunscreen बहुत सारा आइटम आ जाता है इसके अंदर तो मैंने इसको बहुत काफ़ी ज़्यादा carry किया और ये new बेज कलर में आता है ना वो ब्राउन और बेज का कॉम्बिनेशन बिल्कुल हैवी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड इजी टू कैरी और इजीली तो इसको हम लेकर जा सकते हैं एंड इट इज़ यूनिसेक्स मैंने इसको अराउंड नाइन अराउंड थाउजेंड के अंडर लिया था जब एक सेल लग रही थी तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर दि नेक्स्ट वी कम टू द म्यूजिक वेट अ सेकेंड आई एम गोइंग टू शो यू i listen that part i don't know if you if you exactly and i'm all you want to say when you hold me i say the end of the moon go 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 to maine he was suna like just give it a listen it

एक वो वाली लाइन है ना इसकी अरे यार कौन सी वाली लाइन थी तुम्हें कैसी लगती है तुम्हें तुम हो मेरी फेवरेट लाइक ज़्यादा सुनो तो कॉपी आता है इतनी हंसी मौजूदा चीज़ है ठीक है इतने मतलब क्या बोलूं यार ये दोनों मेरे को सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद है मूवीज में आई हैव वॉच्ड मैटू ऑन जियो सिनेमा देन आई वॉच्ड डंकी एंड भक्षक ये तीनों मूवी बहुत अच्छी हैं लाइक like, सबसे ज्यादा मेरे को डंकी पसंद आई यू कैन गो वॉच ऑन नेटफ्लिक्स एंड सीरीज में मैंने इस बार कोई सीरीज ऐसी देखी नहीं सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो डो लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स कॉमेंट करके बताना बताना कि फेबर में आप कौन सा ऐसा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूज करे सो विद आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय गायटर बाय आई लव यू